सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भयानक बस हादसा, स्कूली बच्चों सहित 16 लोगों के मरने की आशंका। डिजिटल इंडिया के 7 साल पूरे, पीएम मोदी गुजरात में डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ करेंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। सत्यपाल मलिक के निशाने पर केंद्र सरकार, मेघालय के गवर्नर ने लाल किले पर निशान साहिब के झंडे लगाने को सही ठहराया। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, अगले 30-40 साल तक रहेगी बीजेपी का युग, भारत बनेगा विश्वगुरु। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,135 नए केस आए सामने, 24 की मौत। नूपुर को फटकार लगाने वाले जस्टिस पादरीवाला बोले, जजों पर पर्सनल अटैक खतरनाक, डिजिटल और सोशल मीडिया पर लगाम जरूरी। अमरावती मर्डर हत्या से पहले डर गया था आरोपी, पहले भी 2 बार सिर काटने की कोशिश की थी, पर कोल्हे जल्दी घर चले गए। कश्मीर में टीचर का हुआ ट्रांसफर तो रोने लगी लड़कियां, स्कूली बच्चे शिक्षक के साथ जाने की जिद पर अड़े, गले लगा कर दी विदाई। जम्मू कश्मीर में ग्रामीणों ने पकड़े 2 आतंकी, इनमें से एक बीजेपी का आईटी सेल चीफ रह चुका, AK-47 और ग्रेनेड बरामद। मणिपुर लैंडस्लाइड रेस्क्यू का 4th दिन, मरने वालों की संख्या बढ़ी। लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी, पटना के पारस अस्पताल में भर्ती, राबड़ी आवास में सीढ़ी से गिर गए थे राजद प्रमुख। एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी में सरकार, हेट स्पीच की परिभाषा होगी तय, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां होगी कानून का आधार। ममता बनर्जी के बंगले में घुसा चोर, रात भर सोता रहा, सुबह पुलिस ने किया अरेस्ट, अब पूछताछ जारी। उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका, शिवसेना के विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप की मान्यता रद्द, विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर का फैसला। बीजेपी से कथित कनेक्शन वाले लश्कर आतंकी के पास मिला हथियारों का जखीरा, ग्रेनेड लॉन्चर, AK-47 के 75 राउंड और एंटीना बरामद। कानपुर हिंसा में बिल्डर हाजी वसी का बेटा गिरफ्तार, हाजी वसी भी है हिंसा में फंडिंग का आरोप, तलाश में ताबड़तोड़ तपिश। कन्नौज में गोमांस के साथ की तस्कर गिरफ्तार, गश्त करने वाली टीम ने पकड़ा 1 क्विंटल मांस बरामद। देवरिया में शिक्षक का आपत्तिजनक फोटो वायरल, सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के शिक्षक और छात्र की है तस्वीर। कानपुर में छात्र की हत्या, नकाबपोश 4 लड़कों के साथ आखिरी बार एटीएम में दिखा, पैर में चप्पल नहीं थी।
आगरा के दंपत्ति के साथ केदारनाथ में दर्दनाक हादसा, 5 साल का बच्चा खाई में गिरा, घंटों माता पिता बेसुध बच्चे को ढूंढते रहे। ट्रक ने मारी इको की टक्कर, 2 की मौत, बरेली पीलीभीत नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। मैनपुरी में नाबालिग से दुष्कर्म करने का प्रयास, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल, खेत की तरफ टहलने गई थी मासूम। सपा विधायक डॉक्टर आरके वर्मा के घर तोड़फोड़, समर्थकों में गुस्सा, कार्रवाई ना होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। सड़क हादसे में भट्टा मजदूर की मौत, साइकिल सवार को वाहन ने मारी टक्कर, मजदूरी कर घर वापस आ रहा था। अमेठी में युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 2 पर केस, जमीन के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर किया था टिप्पणी। मथुरा में सड़क हादसे में 2 की मौत, गुस्साए लोगों ने दिल्ली आगरा नेशनल 3 घंटे हाईवे जाम रखा, 7 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी। पुलिस की चलती गाड़ी से कूदकर मुलजिम फरार, कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था मुलजिम, 10 मिनट की खींचतान के बाद 4 पुलिसकर्मियों ने पकड़ा। ललितपुर में आकाशीय बिजली का कहर, बिजली गिरने से चाची की मौत, भतीजी झुलसी, खेत में गई थी काम करने। बाउंड्री बनाने पर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लात घुसे, लड़की ने किया सरिया से हमला, 1 का सर फटा। हाई कोर्ट का आया ट्रांसफर नोटिफिकेशन, 3 ADJ समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों को मिली सुल्तानपुर के कोर्ट की जिम्मेदारी। कन्नौज BSNL ऑफिस में छलक रहे जाम, सब डिविजनल इंजीनियर जमा रहे हैं शराब और बियर की महफिल, DM ने की कार्रवाई की बात। में पुलिस को 6 समुदाय ने किया सम्मानित, 4 चोरों को किया गिरफ्तार, लाइसेंसी बंदूक भी बरामद। बदायूं में युवक की हत्या, पत्नी पर आरोप, शरीर पर कई जगह करंट के मिले निशान, पुलिस वारदात की वजह तलाशने में जुटी। पुलिस के डर से बिकाऊ है मकान, लखनऊ में PSA जवान की पत्नी ने घर पर चस्पा किया पोस्टर। मथुरा में किशोरी को 3 महीने रखा कैद में, धर्म परिवर्तन कराकर किया शारीरिक शोषण, SSP के आदेश पर मुकदमा। बरेली के फरीदपुर के गैंग ने बेगमपुरा एक्स में लूटपाट की, 1 आरोपी गिरफ्तार, चलती ट्रेन में महिला को बनाया था निशाना। बागपत में टायर फटने से कैंटर पलटा, हादसे में चालक परिचालक हुए घायल, कैंटर को JCB की मदद से रास्ते से हटाया। अमरोहा में वाहन ने बुजुर्ग को रौंदा, मौके पर हुई मौत, शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे घर। अयोध्या में 12वीं की छात्र ने की महिला टीचर की हत्या, 32 साल की टीचर 16 साल के लड़के पर बना रही थी रिश्ते का दबाव। वाराणसी पुलिस ने 2 जालसाजों को दबोचा, रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के खाते से निकाल लेते थे रुपए 11 लाख रुपए से।
झांसी में शादी का झांसा देकर युवती से गैंग रेप, पीड़िता ने बेटी को जन्म दिया, उसी की गर्दन पर चाकू रख जीजा साले दुराचार करते रहे। नाती ने नाना को लाठी से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, डांट से आहत युवक ने परिजनों के सोने के बाद किया। बुलंदशहर पुलिस ने मुठभेड़ में दो बदमाश किए गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली, एक फरार, लूट की साजिश कर रहे थे आरोपी। फेसबुक की दोस्ती, समलैंगिक रिश्ते और कत्ल की कहानी, मेरठ में 21 साल के छात्र ने जिन्हें दोस्त बनाया उन्होंने ही तड़पा कर मारा। बुलंदशहर में सड़क हादसा, 3 महिलाओं की मौत, खड़े डंपर में घुसा बेकाबू मैक्स, मजदूरी कर घर वापस जा रहे थे 16 मजदूर। उत्तराखंड में मां की लाइसेंसी बंदूक से कारोबारी ने खुद को मारी गोली, 4 दिन पहले परिवार को छोड़ने गया था मुरादाबाद। उत्तराखंड में आज से मां मनसा देवी मंदिर रोपवे 3 दिन के लिए बंद, अर्धवार्षिक रखरखाव के लिए होगी मरम्मत। केदारनाथ यात्रा के दौरान कड़ी से गिरकर 5 वर्षीय बच्चे की मौत, माता पिता ने नेपाली मजदूर के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। चमोली में कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे से गुजर रही कार के ऊपर गिरी चट्टान, हादसे में दंपत्ति की मौत। लोन के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ा भारी, लड़की का अश्लील फोटो बनाकर शुरू हुआ वायरल कर ब्लैकमेल का खेल। उत्तराखंड में अगले 5 दिन 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश में 165 बंद सड़कों ने रोकी राहगीरों की राह। उत्तराखंड में अब हिंदी में भी पढ़ेंगे एमबीबीएस के छात्र, मंत्री ने कहा कॉलेज में बनेंगे योगा कक्षाएं और जिम। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक दर्जी की बेरहमी से हत्या, हॉकी स्टिक से किए ताबड़तोड़ वार। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस सतर्क, भड़काऊ गाने बजाने वालों पर रखी पैनी नजर। कपकोट में चमोली जैसी आपदा का खतरा, उत्तर भारत हाइड्रो पावर की सुरंग लीक, खतरे में पूरा गांव। आपका धामी सरकार पर प्रहार, कहा सरकारी पुस्तकें नहीं बांटना दुर्भाग्यपूर्ण, आखिर कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे। अल्मोड़ा में 20,000 आबादी को 4 दिन से नहीं मिला पानी, लो वोल्टेज की समस्या के चलते नहीं हो रही है पानी की आपूर्ति। अल्मोड़ा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने दी चेतावनी, पीटीके आईटी के सुरक्षा कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारी की शुरू, कांवड़ यात्रा के दौरान गोमुख जाने के लिए ट्रॉली का उपयोग करो। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां, कांवड़ियों के लिए हरिद्वार में 18 जगह पर लगेंगे स्वास्थ्य शिविर। अमेरिका में अश्वेत की हत्या का वीडियो आया सामने, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था वॉकर, पुलिस वालों ने चलाई 60 गोलियां।
का दावा, लुहांस्क पर अब हमारा कब्जा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया खारिज। रहा है पाकिस्तान, विशेषज्ञ बोले अगर बिजली संकट जारी रहा तो बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है। श्रीलंका में तेल संकट गहराया, पेट्रोल डीजल खरीद के लिए 21,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। दक्षिण चीन के ग्वांगझोउ प्रांत के तट पर चाबा तूफान की चपेट में आने से डूबी क्रेन, 27 लोग लापता। डेनमार्क के मॉल में फायरिंग, 3 की मौत, हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, लोग चीखते भागते आए नजर, कई घायल। इटली में अल्पाइन ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटा, 6 लोगों की मौत, 18 लोग बर्फ और चट्टानों के मलबे में फंसे। यूएस में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा वीडियो आया सामने, फ्लोरिडा में हरे राम हरे कृष्ण की गूंज, सैकड़ों अमेरिकी समंदर किनारे भक्ति में डूबे दिखे। पाकिस्तान में सड़क हादसा, बलूचिस्तान के जोब जिले में बस खाई में गिरी, अब तक 19 की मौत, 11 घायल। इमरान खान की खुली पोल, अमेरिकी अधिकारी से गुपचुप मांगी माफी, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का खुलासा। दुनिया के 500 टॉप अमीरों को $14 अरब का नुकसान, एलन मस्क शीर्ष पर बरकरार। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के विलय का रास्ता साफ। उद्योग से कहा कार्बन उत्सर्जन कम करने को समयबद्ध योजना करे तैयार। शिबा एएनयू होल्डर्स की संख्या 12 लाख के करीब, अच्छे भविष्य के संकेत, जल्द ही इनकी संख्या 12 लाख को पार कर लेगी। स्टाफ ने एक साथ ली छुट्टी, बीमारी का बहाना, एक एयर इंडिया में दिया इंटरव्यू। सरकार के लिए भी कोयला मंगाएंगे, गौतम अडानी लगाई सबसे कम बोली। भारत के स्टार्टअप से इस साल गई 12,000 लोगों की नौकरियां, बायजू अनअकैडमी और वेदांता में बंपर छटने। श्रीलंका में ऊर्जा संकट के बीच एक हफ्ते के लिए स्कूल किए गए बंद, नागरिकों से अपील, बैंकों के माध्यम से अपनी विदेशी मुद्रा में अर्जित आय घर भेजें। फॉर्मूला एक रेस में भीषण एक्सीडेंट, ब्रिटिश ग्रां प्री में माचिस की डिब्बी की तरह पलटी दिखी कारें। महिला फुटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच बर्खास्त, यूरोप दौरे पर भारतीय टीम के एक खिलाड़ी ने विदेशी कोच पर गलत हरकत के लगाए थे आरोप। विंबलडन 2022, जोकोविच विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में टीम वैन रिथोवर को हराया।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो छोड़ सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ रोनाल्डो का करार खत्म। जॉनी बेयरस्टो ने ठोका दमदार शतक। कैरिबियाई दिग्गज इयान बिशप ने टीम को दी वार्निंग। बेयरस्टो से भिड़े विराट कोहली बोले, अपना मुंह बंद कर चुपचाप बैटिंग करो। अंपायर्स और इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स ने बीच बचाव किया। टीम इंडिया मजबूत स्थिति में, पांचवें टेस्ट में भारत की बढ़त 250 के पार। पुजारा ने जड़ा 33वां अर्धशतक। कोहली का फ्लॉप शो जारी। टी20 में भी जीती टीम इंडिया। हर्षल पटेल ने दूसरे प्रैक्टिस मैच में हाफ सेंचुरी जमाई और 2 विकेट लिए। कार्तिक की कप्तानी पारी। भारत ने इंग्लैंड को ड्रॉ पर रोका। विमेंस वर्ल्ड कप हॉकी में पिछड़ने के बाद भारत ने की बराबरी। वंदना कटारिया ने किया गोल। टीम इंडिया को बड़ी राहत। कप्तान रोहित शर्मा कोरोना फ्री। लगातार 3 रिपोर्ट नेगेटिव। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में करेंगे कप्तानी। डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर में देवी की फोटो पर विवाद। सिगरेट पीती हुई काली मां को देख भड़के लोग। यूजर्स ने की फिल्म मेकर को अरेस्ट करने की मांग। मशहूर निर्देशक तरुण मजुमदार का निधन। 92 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। विक्रम वेघा के मेकर्स ने जारी किया बयान। कहा, ऋतिक रोशन ने उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने से कर दिया था इनकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत के एक्स फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को दी जमानत। पिछले साल हुए थे गिरफ्तार। न्यासा देवगन ने नाइट क्लब में फ्रेंड्स के साथ की जमकर मस्ती। ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप में दिखी बेहद स्टनिंग। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन का फनी वीडियो वायरल। भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद बदल गए हैं कार्तिक। एक्ट्रेस ने बताया सच। रवीना टंडन ने किया खुलासा। एक्ट्रेस बोली, मुंबई लोकल बस में मेरे साथ भी होती थी छेड़छाड़। मिडिल क्लास लड़कियों की तरह किया स्ट्रगल। मौनी रॉय ने शेयर किया वीडियो। साड़ी पहने जलवा बिखेरती नजर आई एक्ट्रेस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राखी सावंत के बॉयफ्रेंड दुबई में खरीदेंगे अपार्टमेंट। एक्ट्रेस के लिए आदिल खान खरीदेंगे 10 फ्लैट्स। वहां मुंबई से सस्ते हैं अपार्टमेंट्स। सरगुन मेहता ने प्रेगनेंसी की अफवाहों पर किया रिएक्ट। एक्ट्रेस ने कहा, मैं अपनी लाइफ में एक अलग जर्नी पर हूं। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।